हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज इवनिंग में क्या क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो दाल चढ़ा दिया मैंने, फिर अभी चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद फिर झाड़ू करूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, डिनर। आज मैं ऐसे खाना बनाऊंगी जैसे कि मेरे फ्रिज में बहुत दिनों से पड़ा था कुछ सब्जी। नॉनवेज बन रहा था इसलिए वो नहीं बनाया था, तो वो सूख गया है। उसको लेके मैं आज कुछ सब्जी बनाऊंगी। मेरा बेटा तो कार्टून देख रहा है, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, प्रेस के लिए कपड़े दिए हैं, वो भी जाकर लेके आना पड़ेगा। पहले फटाफट खाना बना लूँगी, फिर जाकर लेके आऊँगी। ये देखिए, ये केला और ये खीरा पड़ा था बहुत दिनों से, इसको काट के बनाऊँगी। पहले तो खीरा को मैंने काट दिया, फिर आप केला काट रही हूँ, कच्चा केला। फिर सारे छिलके वगैरह फेंक दिया है, उनको धो दिया, टेस्ट किया। कुछ कुछ खीरे कड़वे होते हैं ना, इसलिए टेस्ट कर लिया, ठीक ठाक था। ऑलरेडी मैंने दाल भिगो के रखा है, अरहर की दाल, फिर उसमें डाल दिया। थोड़ा सा पम्पकिन में रखा है, इसको भी डालूँगी। दाल में डाल के सब एक मिक्स दाल बनाऊंगी। हमारे उड़ीसा में तो डालमा बोलते हैं इसको, वेजिटेबल के साथ दाल को बनाना। सॉल्ट डाल दिया मैंने। मैं आलू की चटनी बनाऊंगी, इसलिए दो बड़े बड़े आलू इसमें काट के डाल दिए, ताकि दो बार बॉईल करना ना पड़े। इसमें गैस भी सेव होता है, टाइम भी सेव होता है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया, बिठा दिया। बाकी कैबेज मैंने काट के रखा है, अब आलू छील रही हूँ। दो आलू भी डाल दूँगी इसमें। टाइम कम है, काम ज़्यादा है। Thank you.
हेलो मैं कट नहीं करूंगी, सारा आएगा। थोड़े से फूलगोभी भी थे कल के पराठे के, वो भी डाल। इतनी गर्मी हो रही है। अब ऑयल डाल रही हूँ मैं। मैंने बड़ा बनाया था तो उसका जो तेल डीप फ्राई किया था, वो तेल जो बच गया था उसको मैंने रखा है, पहले उसको यूज़ कर देती हूँ। अब सरसों डाल दिया मैंने। ऐसे ही सिंपल सा केबेज फ्राई बना रही हूँ, केबेज और आलू की। वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है। थोड़ा सा जीरा भी डाल रही हूँ। फिर ये जो काट के रखा था उन्होंने, और ग्रीन चिली इसको भी डाल दिया। अच्छे से इसको फ्राई कर देंगे। फिर सॉल्ट डाल दूँगी। अब और एक ऑनियन काट रही हूँ मैं। आलू की जो चटनी बनाऊँगी ना मैं, उसमें डालूँगी इसलिए। अब इसके बाद मैं सब्जी ऐड कर देती हूँ। केबेज और आलू जो काट के रखा था, पत्ता गोभी और आलू, वो डाल दिया मैंने। फिर थोड़ा सा मसाला डालूँगी, हल्दी पाउडर वगैरह। हल्दी पाउडर डाल दिया, फिर रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर ढक के बिठा देंगे। देखिए दाल भी बॉयल हो गया है। इसमें जो आलू डाला था वो भी हो गया है। उसको निकाल देती हूँ अलग से, इसको साइड कर देती हूँ। और एक कढ़ाई बिठा दिया, ऑनियन और रेड चिली होता है, सूखी लाल मिर्च, उसमें बनाऊँगी। ऑयल डाल दिया मैंने, फिर से उसको, फिर ऑनियन डाल दिया। थोड़ा सा कड़ी पत्ता और रेड चिली डाल देंगे, इसको अच्छे से फ्राई कर देंगे।
ये आलू को मैश कर दिया इसमें, गरम है ना, मैं इसके इसमें कर रही हूँ। सॉल्ट डाल देंगे, साथ साथ में उस कैबेज की सब्जी को भी फ्राई कर रही हूँ। अब आलू जो बनाया था उसको डाल दें, थोड़ा सा पानी ऐड के फिर मिक्स कर देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे। मैंने इसको अलग से निकाल दिया बाउल में और फिर से बिठा दिया। जो दाल बनाया था उसमें चौंक लगाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऑयल डाल के मैंने सरसों डाल दिया, फिर ओनियन, लहसुन और रेड चिली, तीनों चीज़ डाला। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालूंगी, ताज़ा कड़ी पत्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है, सूखा सूख गया है ये, फिर भी खुशबू अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं डाल देती हूँ। अब ये हो गया है, हींग थोड़ा सा डाल दिया, वैसे मेरा हींग खत्म हो गया था, वो सारा डाल दिया, फिर दाल डाल दिया। हींग से तड़का लगाना से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तो हो गया, मैं प्रेशर कुकर है चावल में बनाते लेती हूँ, तो पानी और चावल डाल दिया, रेडी हो गया है मेरा। ये देखिए दाल भी रेडी हो गया। आज मैंने कपड़े भी धोया था, देखिए सुखाया है, सारा इवनिंग के टाइम में ही किया। अभी मैं लहसुन छील रही हूँ मसाले रेडी करने के लिए, और मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। मम्मा आपका देख के तो पता, सब्जी चावल जो भी बचा है उसको मैं अलग करूँगी, बर्तन भी निकाल दिया है, दाल वगैरह जो भी बची हुई है वो सब फ्रिज में रखूँगी। ये डेली का काम है मेरा। अब मैं गैस वगैरह पूछूंगी, जो भी जूठा निकला था वो पॉलीथीन में डाल के फिर डस्टबिन में डाल दिया। अब कपड़े से पहले गैस को पूछ लेती हूँ, फिर बर्तन वगैरह साफ करूँगी। गैस क्लीन हो गया, अभी मैं बर्तन धोऊंगी। इसे ही धो धो के सारा बर्तन धो दूंगी।
पहले मांस के रख देती हूँ फिर धोती हूँ। सारा बर्तन धो दिया है मैंने, अब देखिए कपड़े वगैरह भी धो दिया, वो जो किचन का था किचन टॉवल वगैरह। अब सारे बर्तन रख दूंगी बस बर्तन के स्टैंड में, वो नीचे रखा है मैंने। थोड़ा सा छोले भिगोऊंगी क्योंकि कल छोले बनाऊंगी मैं, तो अब इसे भिगो के रख दूंगी। फिर एक्वागार्ड में पानी भरना है मुझे, इसलिए पहले बोतल भर लेती हूँ, फिर पाइप जॉइंट कर देती हूँ, नीचे बाल्टी रख देती हूँ ताकि पानी वेस्ट ना हो, बाद में उसे यूज़ कर लेती हूँ मैं। प्रेस के कुछ कपड़े दिए थे मैंने प्रेस करने के लिए, वो लेके आई, उसको भी रखूंगी। सारा काम तो मेरा हो गया है, अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करूँगी और नहाऊँगी। मैं रोज़ रात को नहाती हूँ। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कैसा लगा बताना, ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, सी यू।